आईपीआर लॉ लेक्चर्स के इन वीडियोस के माध्यम से हम आईपीआर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। अपने इन्हीं वीडियो सीरीज में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराने के क्या क्या प्रोसेस हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझा था। आज के इस वीडियो में हम कॉपीराइट के मीनिंग को सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट इज कॉपीराइट? सिंपल, इट इज अ फॉर्म ऑफ आईपीआर, इट इज अ फॉर्म ऑफ आईपीआर। ये क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक फॉर्म है। देखो, जो वर्ड कॉपीराइट है, अगर हम इसे सेपरेट करें तो एक वर्ड निकलेगा कॉपी और दूसरा राइट। कॉपीराइट बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का नेगेटिव राइट है, राइट। इट इज राइट नॉट टू कॉपी, दूसरे पर्सन इसे कॉपी नहीं कर सकते हैं, राइट नॉट टू कॉपी। कॉपीराइट बेसिकली इज अ क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट, इट इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट इज अ नेगेटिव राइट। ये क्या है? नेगेटिव राइट है। क्यों? क्योंकि सच राइट प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम कॉपिंग और रिप्रोड्यूसिंग द वर्क ऑफ ओरिजिनल प्रोड्यूसर। तो ये एक प्रकार का नेगेटिव राइट है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे पर्सन्स को प्रिवेंट करता है कि वो ओरिजिनल प्रोड्यूसर के, ओरिजिनल क्रिएटर के वर्क को कॉपी नहीं कर सकते हैं, राइट। तो कॉपीराइट बेसिकली इज अ नेगेटिव राइट विच एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम कॉपिंग द वर्क ऑफ ओरिजिनल क्रिएटर और ओरिजिनल प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ये क्या है? ये प्रोड्यूसर का या क्रिएटर का मोनोपोलिस्टिक राइट है। सेक्शन 13 ऑफ कॉपीराइट एक्ट एनविसेजेस सर्टेन वर्क्स इन विच कॉपीराइट सबसिस्ट। तो कॉपीराइट एक्ट का सेक्शन 13 बेसिकली उन सभी वर्क्स के बारे में बात करता है, उन सभी फील्ड ऑफ वर्क के बारे में बात करता है जिनमें कॉपीराइट लिया जाता है। सेक्शन 14 प्रोवाइड्स फॉर मीनिंग ऑफ कॉपीराइट, और सेक्शन 14 कॉपीराइट के मीनिंग को डिफाइन करता है कुछ इस तरह से। इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट टू डू और ऑथराइजेस अदर्स टू डू सर्टेन एक्ट्स इन रिलेशन टू। तो कॉपीराइट बेसिकली एक एक्सक्लूसिव राइट है। नाउ जब हम एक्सक्लूसिव राइट के बारे में बात करते हैं तो हम बेसिकली फोर राइट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट टू डू और ऑथराइजेस अदर्स, यानी दूसरे पर्सन्स को लीगली ऑथराइज करना टू डू सर्टेन एक्ट्स इन रिलेशन टू, किसके रिलेशन में? लिटरेरी, यानी लिटरेचर के फील्ड में, ड्रामेटिक के फील्ड में, म्यूजिकल वर्क के फील्ड में, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमाटोग्राफ, फिल्म, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, साउंड रिकॉर्डिंग। तो बेसिकली कॉपीराइट क्या है? ये एक एक्सक्लूसिव राइट्स हैं जो कि इन सर्टेन एरियाज ऑफ वर्क में मिलते हैं, लिटरेचर, ड्रामा, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमाटोग्राफ, फिल्म, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, साउंड रिकॉर्डिंग। अब आगे कह रहा है, नो कॉपीराइट इन आइडिया, किसी आइडिया पर आप कॉपीराइट नहीं ले सकते हो, ठीक है। कॉपीराइट सबसिस्ट ओनली इन मटेरियल फॉर्म,
ये केवल फिजिकल फॉर्म ऑफ आइडिया या मटेरियलिस्टिक फॉर्म ऑफ आइडिया में ही मिलता है. तो व्हेन यू ट्रांसलेट योर आइडिया इनटू मटेरियलिस्टिक फॉर्म देन यू कैन गो फॉर कॉपीराइट. तभी आप कॉपीराइट ले सकते हो, तभी आप कॉपीराइट के लिए एलिजिबल हो. एंड दस देर इज नो कॉपीराइट इन एन आइडिया. दस कॉपीराइट सब्सिस्ट ओनली इन फॉर्म एंड नॉट इन आइडिया. अ मेयर आइडिया कैन नॉट बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट. केवल आइडिया पर कॉपीराइट नहीं मिलेगा. अगर आप उस आइडिया को कन्वर्ट करते हो मटेरियलिस्टिक फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, देन यू कैन गो फॉर कॉपीराइट. ठीक है. अब नाउ कॉपीराइट में अब हमने देखा कि वेरियस फील्ड ऑफ वर्क हैं. लिटरेचर है, ड्रामा है, सिनेमाटोग्राफ फिल्म है, साउंड रिकॉर्डिंग है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, म्यूजिकल वर्क हैं जिसमें क्रिएशन लीड्स टू कॉपीराइट. जिसमें अगर आप वर्क करते हो और वो आपका अपना वर्क है, वो ओरिजिनल है, तो आप कॉपीराइट ले सकते हो. नाउ कॉपीराइट में किसके राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं, हुज राइट्स आर प्रोटेक्टेड. तो कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ ऑथर. कॉपीराइट बेसिकली ऑथर के राइट को प्रोटेक्ट करता है और दूसरे पर्सन्स को एक्सक्लूड करता है, प्रोहिबिट करता है कि आप इनके वर्क को, इन एरियाज ऑफ वर्क में जो इनका क्रिएशन है, आप उसे कॉपी नहीं कर सकते हो. अगर ऐसा करोगे तो इट इज पनिशेबल ऑफेंस, राइट. दैट इज तो कॉपीराइट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑथर व्हिच मींस क्रिएटर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ही और शी इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओनर ऑफ प्रॉपर्टी. तो आपका क्रिएशन लिटरेचर, ड्रामा, म्यूजिकल वर्क, सिनेमाटोग्राफ, साउंड रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ में आपका क्रिएशन जो है, अगर वो यूनिक है, डिस्टिंक्ट है, ओरिजिनल है, तो यू आर द फर्स्ट ओनर ऑफ कॉपीराइट. अब ये जो क्रिएटर हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्क में, दे आर कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स. इन्हें जो है डिफरेंट नेम से, विभिन्न नामों से बुलाया जाता है. जैसे लिटरेचर या ड्रामा के फील्ड में जो क्रिएटर होता है उसे हम ऑथर कहते हैं. म्यूजिकल वर्क में जो क्रिएटर होता है उसे हम कंपोजर कहते हैं. तो कॉपीराइट को डिफाइन करते समय आप एरियाज ऑफ वर्क एंड नेम ऑफ क्रिएटर्स ऐसे लिख सकते हो. फिर सिनेमा के फील्ड में प्रोड्यूसर, साउंड रिकॉर्डिंग प्रोड्यूसर, और लास्ट है फोटोग्राफ, फोटोग्राफर. अब देखो एक केस है हमारे पास, वेंकटेश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस विपुल अमृत लाल शाह. वेंकटेश वेंकटेश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस विपुल अमृत लाल शाह. विपुल अमृत लाल शाह. इस पर्टिकुलर केस में ये कहा गया कि राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट एक्सटेंड्स टू ओरिजिनल, लिटरेरी, ड्रामाटिक, आर्टिस्टिक एंड साउंड रिकॉर्डिंग. तो जो कॉपीराइट होल्डर है और उसके उस रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ वर्क में कॉपीराइट तभी मिलेगा जब उसका जो वर्क है वो अपने आप में ओरिजिनल है. फिर चाहे वो लिटरेचर के फील्ड में हो या ड्रामाटिक के फील्ड में हो, आर्टिस्टिक
एंड रिकॉर्डिंग, ठीक है. तो योर वर्क मस्ट बी ओरिजिनल एंड योर वर्क मस्ट नॉट बी ऑलरेडी नन टू द पब्लिक, या किसी दूसरे का क्रिएशन नहीं होना चाहिए. योर वर्क मस्ट बी ओरिजिनल, तभी आपको आपके राइट्स को कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाएगा. ये कहा गया था वेंकटेश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस विपुल अमृतलाल शाह. एक और केस है आरजी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म. आरजी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म, इस पर्टिकुलर केस में यह कहा गया कि कॉपीराइट केवल और केवल मटेरियल फॉर्म में ही मिलता है, यानी कॉपीराइट केवल मटेरियल फॉर्म के ही ऊपर मिलता है. कॉपीराइट किसी आइडिया, किसी थीम या प्लॉट ऑफ लिटरेरी वर्क और फिल्म के ऊपर नहीं मिलता है. यानी आपने कोई, आपका कोई आइडिया है या आपका कोई प्लान है, तो उस आइडिया या प्लान के ऊपर यू कैनॉट टेक कॉपीराइट जब तक आप उस आइडिया, उस प्लॉट, उस थीम को मटेरियलिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर देते हो, तब तक आप कॉपीराइट नहीं ले सकते हो. ये कहा गया था आरजी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म में. फिर एक और केस है ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीजी मोदक. ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीजी मोदक. ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीजी मोदक, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज नो कॉपीराइट इन पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ जजमेंट्स. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देते हैं, उन जजमेंट का जो पब्लिकेशन होता है, उस पर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं होता है, राइट. तो ये कहा गया ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीजी मोदक. और आरजी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म में ये भी कहा गया कि जो क्वेश्चन ऑफ कॉपीराइट है, कि आपके कॉपीराइट का वॉयलेशन हुआ है, ये तभी अराइज होगा जब जो आपका वर्क है जिस पर्टिकुलर फील्ड में वो ओरिजिनल है. देयर मस्ट बी ओरिजिनैलिटी ऑफ योर वर्क इन द सर्टेन फील्ड, वेदर इट इज ड्रामा, लिटरेचर, आर्ट, साउंड, फिल्म, राइट. तो ये था कॉपीराइट, जिसके मीनिंग को हमने समझा. अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स चाहिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक का पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का पीडीएफ नोट्स पड़ा हुआ है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.